हाय गाइस, दिस आशी जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अच्छी वाई एस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर सेक्शन को डिस्कस करते हैं और उसी के साथ में हम लोग डेली द हिंदू एनालिसिस को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सो लेट मी नो यू, आज भी हम लोग करंट अफेयर्स का ही एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एज यू ऑल नो, टूडे इज 20th अप्रैल एंड ऑन दिस डे government has announced that we are going to partially open the few areas regarding some important works. Okay, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन एरिया चल रहा है, अभी पूरे देश में हर जगह पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 मई तक कर दिया गया है इसे। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं 23rd of March से कंटिन्यू हम लोग लॉकडाउन के अंदर हैं। सो हेयर इट इज़ एक्सटेंडेड टिल 3rd of May। एंड लेट मी नो यू कि देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है कि हम 20 अप्रैल से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है 3 मई तक, तो 3 मई तक के इस लॉकडाउन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या इकोनॉमी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इशू लिया है कि हम लोग 20th अप्रैल से कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को वर्क करने के लिए अलाउड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन अभी लास्ट वेंसडे को इशू की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। तो आज से कुछ एरियाज़ ओपन हो रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो एरियाज़ जो स्टार्ट होंगे, कहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस इशू की है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन एरियाज़ को ओपन किया जा रहा है और किन किन बातों को अवॉइड करने पर इन एरियाज़ के जो अपहोल्डिंग्स है, या हम कह सकते हैं इन एरियाज़ का जो जो ओपनिंग सेशन है उसे क्लोज किया जा सकता है किन गलतियों के होने पर, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए 3 मई को नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, आई मीन 3 मई तक मोदी जी ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का अनाउंस कर दिया था। सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन वेंसडे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेंसडे को एक अपडेटेड कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस की एक रिवाइज लिस्ट मेजर, या हम कह सकते हैं मेजर्स इशू किए हैं, जो कि मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट अथॉरिटीज़, यूटी अथॉरिटीज़, इन सबको मिलाकर और COVID-19 को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई है। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इस नोटिस के अकॉर्डिंग, जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल पैसेंजर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के अलावा जो अदर पैसेंजर्स हैं, जो पैसेंजर्स ट्रेन से मूव करते हैं उसमें भी सिक्योरिटी पर्पज़ के अलावा जो पैसेंजर्स ट्रेन से मूव करते हैं, या जो बसेस के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रेलवे जो सर्विसेज हैं, मेट्रो रेल सर्विसेज, इन सबको अभी भी बंद रखा जाएगा, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर मैक्सिमम गैदरिंग्स विल बी डन। ओके, सो अगर ओपन कर दिया जाता है इन एरियाज़ को तो मैक्सिमम गैदरिंग जो होगी वो इन एरियाज़ में होगी, इसलिए डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने कि हम इन एरियाज़ को अभी एट प्रेजेंट बंद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट जो है ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रीज़न, अगर आप मेडिकल रीज़न के अलावा कहीं पर भी जाते हैं इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो इट विल नेवर बी अलाउड। ओके, सो आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अलाउड नहीं हैं, हाउएवर ऑल गुड्स ट्रैफिक विल बी अलाउड टू प्लाई। ओके, सो ऑल एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये अभी भी बन रहेंगे 3 मई तक। These establishments are expected to maintain the academic schedule through online teaching. अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 मई तक एजुकेशन सेक्टर को बंद करना, इट मीन्स बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा। तो उसके तहत सरकार ने ये अनुमति दी है कि जो ऑनलाइन टीचिंग शेड्यूल है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिज़िकली अवेलेबल होते हैं, फिज़िकली जो स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एनकरेज मैक्सिमम यूज ऑफ दूरदर्शन एंड अदर एजुकेशनल चैनल्स मेड फॉर टीचिंग पर्पज़। देखिए, टीचिंग पर्पज़ के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो भी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दूरदर्शन पे काफ़ी एजुकेशनल चीज़ें दिखाई जा रही है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स हैं जहाँ पे टीचिंग पर्पज़ से बहुत सारे एजुकेशनल स्टफ़ शेयर किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें ओपन रहेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी सारी चीज़ों की।
अदर देन दिस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड अदर देन दो स्पेसिफिकली परमिटेड एंड ओपनिंग ऑफ ऑल रिलीजियस प्लेसेज एंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप फॉर मेम्बर्स ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग रिलीजियस कॉन्ग्रेंट आर प्रोहिबिटेड कॉन्ग्रीगेशन आर प्रोहिबिटेड. जहाँ पर भी चाहे आप सोशल एक्टिविटीज़ ले लो, चाहे रिलीजियस प्लेसेज ले लो, चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ले लो, इंडस्ट्रियल ले लो, सब जगहों पर कुछ स्पेसिफिक परमिशंस दी जाएंगी. उसके अलावा जहाँ पर भी मैक्सिमम लेवल पे पब्लिक गैदर होती है, मेंबर्स गैदर होते हैं, वहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस को, बिकॉज रिलीजियस प्लेसेस भी ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे लोग एकत्रित होते हैं, है ना. इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमनेजियम्स या हम कह सकते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, ये सब चीज़ें अभी बंद, असेंबली हॉल्स, ये सब 3 मई तक अभी बंद रहेंगे, ठीक है. इसके अलावा जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस हैं, वो सारे बैन कर दिए गए हैं जहाँ पर भी गैदरिंग होती है. अगर फ्यूनरल है, किसी की डेथ हो गई है आपकी फैमिली में, या फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसके लिए भी मैक्सिमम 20% आर अलाउड. 20% से ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा फ्यूनरल के लिए भी, ओके. उसके अलावा टैक्सीज, जिसके अंदर ऑटो, साइकिल्स, रिक्शाज या जो सर्विसेज, कैब सर्विसेज आती है, उन सभी को लॉकडाउन के दौरान बंद रखा गया है. 3 मई तक बंद रहेंगे ये सब. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया गया है, तो मूवमेंट ऑफ पर्सन्स इज अलाउड इन फॉलोइंग केसेज. अगर मूवमेंट्स है पर्सन्स में, मतलब अगर कोई पर्सन इंडिविजुअली मूव कर रहा है, तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग केसेस है, उसके तहत ही उन्हें अलाउड किया जाएगा. एक तो प्राइवेट व्हीकल्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कई दिनों से प्राइवेट व्हीकल्स ही बैन हैं. अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स लेके निकलते हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा. तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप निकलते हैं कुछ इमरजेंसी सर्विसेज, जिसके अंदर मेडिकल या वेटरिनरी या फिर हम कह सकते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने जा रहे हैं, तो इन सब सर्विसेज के लिए यू आर अलाउड टू गो आउट. और आपके मेडिकल, इसके अलावा आपके प्राइवेट व्हीकल को अलाउ किया जाएगा, ठीक है. उसमें भी एक ही पर्सन होगा. और अगर व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल भी है, चाहे आपके पास में कोई भी व्हीकल है, चाहे 4-व्हीलर है, जैसे देखिए क्या परमिशंस दी गई है. प्राइवेट व्हीकल ड्राइवर कैन बी परमिटेड इन द बैक सीट, ओके. 4-व्हीलर के अंदर अगर प्राइवेट व्हीकल वाला है तो आप पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, और वो भी सिर्फ 1 पर्सन अलाउड है. हाउएवर इन केस ऑफ 2-व्हीलर, 2-व्हीलर पर भी ओनली द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इज़ टू बी परमिटेड. सिर्फ एक ही पर्सन जो गाड़ी चला रहा है वो अलाउड है. इसके अलावा 2, 3, 4 जने बैठकर आप गाड़ी पे नहीं जा सकते, ठीक है. ऑल पर्सनल ट्रैवलिंग टू प्लेस ऑफ वर्क एंड बैक इज इन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूटी एंड स्टेट लोकल अथॉरिटीज. स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ के तहत ये मुद्दा रखा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अगर काम करने जा रहे हैं या वर्क करने जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, तो उसके तहत जो ट्रैवलिंग की चीज़ें होंगी वो सब स्टेट अथॉरिटीज़ या यूटीज़ को जो है देखना होगा. अपनी खुद की लोकल अथॉरिटीज़ के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि उनके लिए क्या मापदंड रखने हैं, ठीक है. इसके अलावा जो रिवाइज गाइडलाइन है वो परमिट करती है हेल्थ सर्विसेज को और सोशल सेक्टर्स को कि वो अपने कार्य को कर सकते हैं. पब्लिक यूटिलिटीज ऑफ फंक्शन विदाउट एनी हिंड्रेंस दी सप्लाई, पब्लिक यूटिलिटीज़ को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स टू ऑपरेट विदाउट एनी हिंड्रेंस एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, सो दैट विल रिमेन ओपन, ओके. सो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज या सेंटर्स जहाँ पे आपको नीड है लोकल बॉडीज़ की, लोकल बॉडीज़ है जहाँ पे आपका कोई वर्क है, तो वहाँ पे आप जो है बिल्कुल काम से जा सकते हैं. लेकिन वहाँ पर भी 1 पर्सन अलाउड है एट अ टाइम, क्योंकि वो ऑफिसर्स अपना कार्य करेगा, आप लोकल पर्सन या पब्लिक वहाँ पर अलाउड नहीं है. एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग, फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्री जो है वो रूरल एरियाज़ में जो है अलाउड है, विल बी अलाउड इन रूरल एरिया. रूरल एरियाज़ में जो भी फूड प्रोसेसिंग हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है रूरल एरियाज़ में वो भी अलाउड होगी. एंड एक्टिविटीज़ इन म्यूनसिपल एरियाज़ विल बी ओनली बी अलाउड इट वर्कर
इफ़ वर्कर्स आर स्टेइंग ऑन साइट, अगर वर्कर्स सिर्फ साइट पे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं काम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में उन्हें कार्य अलाउड होगा म्यूनसिपल एरियाज में। अदर देन दिस उन्हें काम करना उस एरियाज में अलाउड नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मनरेगा जो है उसको स्पेसिफिकली इसीलिए ओपन किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉबलेस लोग हो गए हैं जो डेली बेसिस पे जिनकी अर्निंग है लेबर क्लास पीपल्स हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटीज़ दी है कि आप जा सकते हैं वर्क पे और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स जो है जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मेसी रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है। महात्मा गांधी मतलब मनरेगा जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वो अलाउ की जाएगी, जिससे कि लोगों को एक्टिव जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिस पे कार्य होगा वहाँ पे और लोगों को जो है जॉब या हम कह सकते हैं डेली रेगुलर पेबल्स अलाउड किए जाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑल्सो एडवाइज टू प्रायोरिटीज इरीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एमिड द लॉकडाउन। ओके, तो इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन की भी प्रायोरिटी में रखा है मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल काम में रहेगी, बिल्कुल अपना कंटिन्यू वर्क करेगी। फार्मिंग से रिलेटेड जितना भी काम है फार्म वर्कर्स जो हैं वो भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं। एजेंसीज़ जो है उनको एंगेज किया गया है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कार्य करें, MSP ऑपरेशंस को भी चलाएं। इसके अलावा मंडीज़ ऑपरेटेड बाय APMC, जितनी भी APMC द्वारा चलाई गई मंडीज़ है जो कि स्टेट या UT गवर्नमेंट्स के अंदर आती है, वो बिल्कुल अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। अदर देन दिस डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस बाय द UT एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और बाय इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, FPOs, कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा आर परमिटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। दे आर ऑल दीज कैटेगरीज आर परमिटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड टू डू देयर वर्क्स। ओके, सो अब उसके अलावा शॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स या सप्लाई चेन्स जो है जिसको सप्लाई चेन्स इंक्लूड कर सकते हैं इसमें स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर्स, ये सब ओपन रहेंगे। और इसके अलावा हार्वेस्टिंग के जितने मूवमेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं सोविंग से रिलेटेड जितने भी मशीन्स हैं वो अपना कार्य एज इट इज़ करेंगी, ठीक है। बैंक ब्रांचेस, ATMs, IT वेंडर्स, बैंकिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू होंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या ATM ऑपरेशंस या कैश मैनेजमेंट एजेंसीज, ये सारा भी काम अपना एज इट इज़ कंटिन्यू कैरी ऑन करेंगे। मीनवाइल सर्टेन इंडस्ट्रीज विल बी अलाउड टू रिज्यूम वर्क पोस्ट 20 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ओके, तो कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जिन्हें अलाउ किया गया है कि वो अपने कार्य को 20 अप्रैल के बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो भी 20 अप्रैल के बाद में ओपन रहेंगी। उसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कंपल्सरी किया है कि मास्क को है कंपल्सरी किया जाएगा। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी सर्विसेज में जा रहे हैं, कोई भी सेक्टर्स में जा रहे हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, अलाउंस दिया है आफ्टर द 20th अप्रैल, इट मीन्स आज से जो काम कंटिन्यू होगा उसके बाद में आप जहाँ पर भी जा रहे हैं यू हैव टू वेयर मास्क एंड नेसेसरी आई कैन से प्रिकॉशनरी आइटम्स। ओके, अदर देन दिस द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू गाइडलाइन सेज दैट स्टेट्स एंड UTs और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल डिमेरिकेट हॉटस्पॉट्स एंड कंटेनमेंट जोन्स एज पर द गाइडलाइन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाएगी उन्हें फॉलो किया जाएगा। किस क्षेत्र में? उन क्षेत्रों में जो कि हॉटस्पॉट है वहाँ पर ये सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं होगी। वहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कोई इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर एरिया ओपन करना है या मनरेगा का कार्य शुरू करना है तो वो सब नहीं होगा बिकॉज वो हॉटस्पॉट एरिया है और वहाँ पे कार्यशील जो क्षेत्र है वहाँ पे इस कोरोना वायरस को या COVID-19 के स्प्रेड का मैक्सिमम लेवल पे खतरा है। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे नहीं घटित होगी या ये गाइडलाइंस जो जारी की गई है ये हॉटस्पॉट्स के लिए नहीं है। हॉटस्पॉट के लिए पर्टिकुलर एरिया के जो गाइडलाइंस है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है।
So very strong containment measures will be implemented in the hotspot district accounting for the large number of COVID cases. क्योंकि hotspot areas के अंदर बहुत ज़्यादा COVID cases आए हैं तो उसको देखते हुए वहाँ पे और continue बढ़ रहे हैं, इसलिए Ministry of Health Affairs का Home Affairs का ये कहना है कि वहाँ पे बहुत strong measures के साथ में, बहुत कड़ी व्यवस्था के साथ में वहाँ पे थोड़ा बहुत जो कार्य शुरू किया जाएगा वो implement किया जाएगा. अदरवाइज़ वो भी अगर लगता है कि मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसे भी इमिजिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ऐसे जोन्स जो है जहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट जो है पैरामीटर्स कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं. अदर देन दिस वहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज ही परमिटेड है, अदर उसके अलावा कोई भी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी. ठीक है, सो इट वॉज मी आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस. मैंने आज से जो स्टार्ट होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में, देखिए काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि भई हमें आइडिया ही नहीं है कि 20 अप्रैल से हमारा काम स्टार्ट होगा या नहीं एंड ऑल, तो उसी लिए ये गाइडलाइंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. हमारे चैनल ने डिसाइड किया कि हम आपको वो सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएंगे जो गवर्नमेंट ने दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, तो क्योंकि वो एक बहुत बड़े फॉर्मेट में और बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में होता है, इसीलिए वी हैव डिसाइडेड कि ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया जाए कि कौन से एरिया ओपन होंगे. अभी मैक्सिमम एरियाज जो है वो ओपन नहीं होंगे, बहुत कड़ी सुरक्षा प्रतिबंधों के तहत कुछ एरियाज को ओपन किया जा रहा है और उन्हें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सेक्शन पसंद आया है. कोई डाउट है आप स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, उसे देखिए. एंड उसके अलावा भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड होप यू विल एंजॉयड इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर प्रोडक्टिव वीडियोस फ्रॉम माय साइड. आई विल ट्राई माय बेस्ट. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर.